पूरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको तेल गरम करना है और उसमें प्याज डालनी है। उसके बाद आपको प्याज को सुनहरे होने तक भूनना है। ध्यान से देखिए प्याज कितने अच्छे से सुनहरे हो गए हैं। चलिए अब इसमें हम चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को हमने पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था, अब हम उसको इसमें ऐड करके अच्छे से चलाएंगे जिससे कि वह मिक्स हो जाए। देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब आप चिकन को देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, चिकन अच्छे से पक गया है। देख लीजिए हमें अच्छे से पकाना है और इसको चलाते रहना है ताकि वह नीचे ना लगे और जले कहीं से नहीं। अब हम एक बर्तन में तेल गरम करेंगे, ये हम करी के लिए कर रहे हैं। अब तेल में गरम होने के बाद हमें प्याज को ऐड करना है। अब हम एक साइड पे मसाले को मिक्स करेंगे। पहले हम धनिया लेंगे, अब हमें धनिया को ऐड कर देना है। धनिया हम 1.5 चम्मच लेंगे। उसके बाद हमें गरम मसाला लेना है, वो हम 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा लेंगे। फिर हमें लाल मिर्ची लेनी है, लाल मिर्ची हमें 1.5 चम्मच लेनी है। कई लाल मिर्ची बहुत तीखी होती है तो आप अपने स्वाद के अनुसार उसे ले लीजिएगा। फिर हमें 1/2 चम्मच से हल्दी लेनी है। उसके बाद हमें अच्छे से मिक्स करके पानी में और फिर तेज पत्ते को ऐड कर देना है इसके अंदर। अब देखिए हमारे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम मसाले को ऐड कर देंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक तेल अलग ना हो जाए और गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करना बिल्कुल ना भूलें। अब मसाले को देखिए कितने अच्छे से कलर आ चुका है और तेल हमेशा अलग हो जाता है तब भी मसाले को अच्छे से भुना हुआ माना जाता है। अब इसमें हम चिकन ऐड करके नमक को ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार। जितनी आपको चिकन करी ग्रेवी कर लगानी है या करनी है उसके अनुसार अपन नमक को ऐड कर सकते हैं उसमें। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। इसको हम थोड़ी देर मसाले में भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके और धनिया ऐड करेंगे। अच्छे से गार्निश करने के बाद आप इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।